सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे जी। भैया मैं सचिन दीक्षित, हमारी ड्यूटी 6 तारीख को पार्किंग में लगाई गई है। हम सब BHL टीम से हैं और हम लोग पूरी श्रद्धा और भावना से अपना काम करेंगे। जो भी काम हम लोग को दिया जाए, सारी टीम बहुत ही मेहनती है और सभी भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे शैलेंद्र भाई, अमित भैया, राहुल गोलू, सब लोग अच्छे से काम करेंगे और को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। सब मेहनत से काम करेंगे, भगवान का काम है, पूरी लगन से, मेहनत से। बाकी हमारे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया, हम लोगों को ग्वालियर रोड की तरफ से जो वाहन आएंगे उन लोगों की रोकने की जिम्मेदारी है और हमारी टीम है, 10 लोगों की टीम है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और हम लोग पूरी निष्ठा और श्रद्धा से काम करने के लिए तैयार हैं और हमारा ये कोशिश रहेगी कि जैसा हमको आदेश यहाँ से दिया जाएगा उसका हम लोग सभी लोग अच्छी तरीके से जब तक कार्यक्रम चले उसका पालन करें और ईश्वर की कृपा से वो पूरा काम संपन्न होगा और हम लोगों की श्रद्धा और निष्ठा में कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। कुमार त्रिपाठी, विश्व हिंदू महासंघ से हूँ। देखिए, मेरी टीम का जो काम रहेगा वो बाबा जी के जो भक्तगण आएंगे उनको उनकी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से अंदर तक प्रवेश करना है और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही बगैर किसी अवांछनीय तत्वों का प्रवेश भी ना हो, ये सब हम लोगों को देखना है। यही हम लोगों का काम है। हम लोग गेट पर रहेंगे और अपना कार्य मुस्तैदी से करेंगे। हमारी टीम के साथ में मोहित सिंह परिहार जो कि जिलाध्यक्ष भी हैं विश्व हिंदू महासंघ से, बीरेंद्र सिंह ठाकुर मंडल प्रभारी जी हैं विश्व हिंदू महासंघ से, अमित कंचन जी हैं, ऋषभ झा हैं, विशाखा शर्मा हैं, जयश्री शर्मा हैं, उत्कर्ष तिवारी जी हैं। इस तरीके से हम लोगों की टीम इसमें काम करेगी, अपना सेवा भाव से सहयोग करेगी। हमारा नाम मोहित सिंह परिहार है और हमें जैसे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें पानी जन 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 तक पहुँचाने का आशीर्वाद मिला है। जो हमारी सेवा रहेगी वो पानी देने की रहेगी। जहाँ पर भी हमें आदेश किया जाएगा कि पानी की व्यवस्था, जैसे हमारी सारी टीम लगी है बागेश्वर धाम से मंडल झांसी की, आदेश आएगा कि यहाँ उस टीम के पास पानी पहुँचाना है, तो हम लोगों का काम रहेगा कि हम लोगों का सब जगह पानी, खाना, व्यवस्था देखना, ये पानी की पंडाल में ज़रूरत है तो पानी वहाँ पहुँचाना है। यही हम लोगों को टीम को काम मिला है और हम लोग तन मन धन से तीनों प्रकार से काम करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका काम करेंगे। पूरी टीम में 20 लोग हैं, जिसमें सोहन राजपूत और कमलेश कुशवाहा, भारती कुशवाहा, अनुराग, रवि, प्रेम नारायण, सीपू, अरुण, राहुल शिवम, अर्जुन, राजेश परिहार, चतुर सिंह यादव, ऐसे ही सारे 20 लड़के रहेंगे। सभी लोगों को काम पानी का दिया गया है। जीतू शिवहरे, बागेश्वर धाम से शिष्य मंडल में हूँ, परम पूज गुरु जी का शिष्य हूँ। 6 तारीख को गुरु जी का आगमन है झांसी, दिव्य दरबार है, बड़ा दिव्य दरबार है और सुबह सुंदरकांड भी है, शाम को पूरा दरबार रहेगा। शाम को यहाँ से विदा होगी गुरु जी की। भव्य रूप से लाखों, करीबन 1.25 लाख की करीबन जनता का वो रहेगा। क्या क्या तैयारी हो गई है? सारी भोजन पानी और जो जो अतिथि आ रहे हैं सबका सम्मान, सबकी चीज़ें, सब कुछ फुल तैयारी है। मेरा नाम हरनारायण शिवहरे और शिष्य मंडल में कार्य करता हूँ और भगवान श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ महाराज जो है 6 मई को दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और जी, यहाँ पर 6 तारीख को गुरु जी का आगमन है झांसी में, तो हमको जिम्मेदारी मिली है पार्किंग की। बी पार्किंग है ग्वालियर रोड पर, तो जिम्मेदारी मिली है, अपनी जिम्मेदारी से करेंगे, अब सेवा भाव से करेंगे। अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है? तैयारी चली रही है, काफ़ी तैयारी हो चुकी है, पार्किंग बन चुकी है। मेरा नाम रवि शिवर है, मुझको यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था मिली है जो ग्वालियर रोड पर देखना है और मेरी टीम में 20 आदमी है जी, ये हमारे साथ वर्क करेंगे और अपन अच्छी तरीके से सेवा भाव के तहत अपन काम करना है। हमारी टीम में रमेश कुशवाहा हैं, संजय ठाकुर हैं, हरीश केवरिया जी हैं, संजीव पटेरे जी हैं, संजीव दुबे जी हैं और ओल्लू हैं, ये 20 आदमी की टीम है। साहू नगरा से, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। 6 महादिव्य दरबार की तैयारी हो रही है, हम सभी चरण सेवक इस महादिव्य दरबार की तैयारी में लगे हुए हैं।
जिस भी सेवक को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस पर हम सभी सेवकों को खड़े उतरना है। जैसे कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को स्थान सुनिश्चित कराना, भोजन की व्यवस्था कराना, जलपान की व्यवस्था कराना, पूरे पंडाल में जहाँ भी जितने टैंक हैं उन सभी की देखरेख हम लोगों को करना है और ठहरने की व्यवस्था भी करना है सभी यात्रियों के लिए, जो भी सेवादार आए भक्त आए उनको कोई कहीं पर भी दिक्कत ना हो। जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम। आगामी आने वाले 6 मई 2022 को घनाराम गार्डन में दतिया रोड पर बागेश्वर धाम गुरु महाराज जी का आगमन है, जो एक दिवसीय महादेव दरबार लग रहा है। इसके लिए झांसी शिष्य मंडल पूरा सहयोग से लगा हुआ है और हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो भी भक्तगण आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमारे जगह जगह कार्यालय बनेंगे, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, और ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। इसमें शासन प्रशासन का फुल सहयोग रहेगा और मुसाफिरों के रुकने की व्यवस्था और उन्हें रास्ते में जल पानी की कोई व्यवस्था ना हो, इसके लिए हमारे झांसी के सारे शिष्य मंडलों के पॉइंट बनाए गए हैं और पूरा झांसी शिष्य मंडल इस कार्य को सफल बनाने में प्रयासरत है। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। सन्यासी बाबा की जय। गुरुदेव के चरणों की जय। भारत माता की जय। बाबा